ये है जानो जंक्शन। नमस्कार, आज है 10 मई 2022। मैं हूँ पूजा वर्मा और आप सुन रहे हैं जानो जंक्शन पे हिंदी न्यूज पॉडकास्ट न्यूज रेल। पहले मुख्य समाचार। पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर हमला मामले में बड़ा खुलासा। बिल्डिंग उड़ाने की थी साजिश। अंबाला से संदिग्ध हिरासत में। पंजाब में आईएसआई ने बनाया लश्कर ए खालसा गुट। अफगानिस्तान के लड़ाके दे रहे ट्रेनिंग। विख्यात संतूर वादक शिव कुमार शर्मा का दिल का दौरा पड़ने से निधन। प्रधानमंत्री सहित कई हस्तियों ने जताया दुख। बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा को हाईकोर्ट से बड़ी राहत। 5 जुलाई तक गिरफ्तारी पर रोक। मदर्स डे पर भारतीय रेलवे ने की बेबी बर्थ की शुरुआत। अब समाचार विस्तार से। पंजाब की मोहाली में इंटेलिजेंस विंग के हेडक्वार्टर पर हुए हमले में आरपीजी के इस्तेमाल ने सबको हैरान कर दिया है। हमले में आरपीजी के इस्तेमाल से इस बात की संभावना बढ़ गई है कि ये एक आतंकी हमला हो सकता है, क्योंकि आम तौर पर होने वाले अपराधों में आरपीजी जैसे हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। वहीं इस घटना को लेकर अब चौंकाने वाली जानकारियां सामने आ रही हैं। सूत्रों का कहना है कि एक कार से दो संदिग्ध लोग आते देखे गए थे, जिन्होंने करीब 80 मीटर दूर से रॉकेट से ग्रेनेड को दागा था। पुलिस इंटेलिजेंस के सूत्रों से बड़ी जानकारी सामने आई है। इस हमले के जरिए इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर की बिल्डिंग को उड़ाने की साजिश थी, निशाना चूक गया। विस्फोटक खिड़की के अंदर जाने की बजाय दीवार से टकरा गया। रक्षा विशेषज्ञ भी मान रहे हैं कि अगर विस्फोटक सीधे कमरे में जाता तो बड़ा नुकसान हो सकता था। पंजाब को दहलाने की पाकिस्तान की नई साजिश का खुलासा हुआ है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने पंजाब में आतंकवादी घटनाओं के लिए एक नए नाम से आतंकी गुट बनाया है। जानकारी के मुताबिक इस आतंकी गुट का नाम है लश्करे खालसा। खुफिया दस्तावेजों से पता चला है कि लश्करे खालसा में शामिल आतंकियों को अफगानिस्तान के लड़ाके ट्रेनिंग दे रहे हैं। अफगान आतंकियों को भी लश्करे खालसा में शामिल किया गया है। सूत्रों के मुताबिक इस ग्रुप के जरिए जम्मू कश्मीर में भी हमले कराने की साजिश रची जा रही है। वहीं खबर ये भी है कि इस आतंकी गुट में पंजाब हरियाणा के स्थानीय गैंगस्टर और अपराधियों को भी शामिल किए जाने की कोशिश चल रही है, जिसमें ड्रग्स के जरिए होने वाली कमाई का लालच देकर उन्हें शामिल करने की साजिश की जा रही है। सूत्रों का कहना है कि मोहाली इंटेलिजेंस ऑफिस में हुए धमाके में भी स्थानीय गैंगस्टर्स का हाथ मिला है। संतूर को विश्व भर में पहचान दिलाने वाले संगीतकार पंडित शिव कुमार शर्मा का आज मंगलवार को सुबह दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। पंडित शर्मा 84 वर्ष के थे। वो भारत के जाने माने शास्त्रीय संगीतकारों में से एक थे, जिन्होंने फिल्मों में भी संगीत दिया था। उनके सचिव दिनेश ने पीटीआई भाषा को बताया कि मुंबई के पाली हिल स्थित आवास पर सुबह 8 से 8:30 बजे के बीच पंडित शर्मा का निधन हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि पंडित शिव कुमार शर्मा जी के निधन से हमारे सांस्कृतिक जगत की क्षति हुई है। उन्होंने वैश्विक स्तर पर संतूर को लोकप्रिय बनाया। उनका संगीत आने वाली पीढ़ियों को प्रोत्साहित करता रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने 5 जुलाई तक बग्गा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। तेजिंदर बग्गा ने मोहाली कोर्ट द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी होने पर इसे चुनौती देते हुए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया था। याद दिला दें कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ टिप्पणी के बाद पंजाब के मोहाली में बग्गा के खिलाफ केस दर्ज कराई गई थी। इसी केस के आधार पर पंजाब पुलिस बग्गा को दिल्ली स्थित घर से उठाकर ले गई थी। बाद में अपहरण का केस दर्ज होने पर दिल्ली पुलिस हरियाणा पुलिस की मदद से बग्गा को वापस दिल्ली लेकर आई थी। माँ के साथ छोटे बच्चे बगल में बिना दिक्कत के सो सकें, इसके लिए भारतीय रेलवे ने महिलाओं के लिए आरक्षित नीचे की बर्थ के साथ बेबी बर्थ की व्यवस्था की है। हालांकि फिलहाल परीक्षण के तौर पर कुछ ट्रेन में इसे लगाया गया है। रेलवे ने ट्वीट कर बेबी बर्थ का फोटो भी शेयर किया है, जिसमें कहा है कि लखनऊ मेल के AC3 में 2 बर्थ के साथ बेबी बर्थ बनाया गया है। मातृ दिवस पर ये व्यवस्था की गई है। जल्द ही अन्य ट्रेनों में भी बेबी बर्थ का विस्तार किया जा सकता है।
रेलवे की ओर से अकेली सफर करने वाली महिला को, गर्भवती और 5 साल के कम उम्र के बच्चे के साथ चलने वाली महिलाओं को नीचे की बर्थ उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है। ट्रेन के आरक्षित बर्थ की चौड़ाई कम होती है, जिसके कारण महिला को छोटे बच्चों के साथ सफर करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए महिला के लिए अब आरक्षित नीचे की बर्थ के साथ बच्चे की बर्थ की व्यवस्था की गई है। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि बच्चा बर्थ से नीचे न गिरे। खास बात यह है कि रेलवे बच्चे की बर्थ के लिए कोई अतिरिक्त किराया नहीं लेगा। इसके लिए आरक्षण टिकट लेने के समय 5 साल के कम उम्र के बच्चों के नाम का फॉर्म भरना होगा। अब सुनिए कुछ संक्षिप्त समाचार। पंजाब में मोहाली हमले की घटना के बाद अमृतसर में रेड अलर्ट जारी कर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। अमृतसर पुलिस कमिश्नर अरुण पाल सिंह ने बताया कि रेड अलर्ट जारी किया गया है और सारे अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से परम विशिष्ट सेवा पदक प्राप्त करेंगे। आसनी चक्रवात विशाखापत्तनम से लगभग 330 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है। आज रात तक इसके उत्तर पश्चिम की ओर आगे बढ़ने की संभावना है। चक्रवात के मद्देनजर चेन्नई हवाई अड्डे से हैदराबाद, विशाखापत्तनम, जयपुर और मुंबई सहित 10 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। आज के लिए इतना ही। सुनते रहिए जानू जंक्शन पे न्यूज़ रेड।